नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, नफरत की कोई हद नहीं होती है। विराट कोहली का सिर्फ इतना दोष था कि जब मोहम्मद शमी को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था, उनके धर्म पर सवाल उठाए जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि भारत पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गया था, और नफरत के अंध भक्त जो हैं उन्हें लगा कि पाकिस्तान की हार के लिए हमें सिर्फ मोहम्मद शमी को दोष बढ़ना चाहिए, तब विराट कोहली सामने उभर कर आए थे। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। विराट कोहली ने सिर्फ यह कहा था कि मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं और तुम ट्रोल्स से नहीं डरता हूं मैं। तुम जब जब हमला करोगे मोहम्मद शमी के ऊपर, हम हमेशा मोहम्मद शमी के साथ खड़े होंगे। नतीजा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है ना, वो एक निहायत ही अश्लील हैशटैग को समर्थन देता है जो कि विराट कोहली के खिलाफ चलाया जा रहा होता है। ये लोग, कई प्रबुद्ध समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग उस अश्लील हैशटैग को समर्थन दे रहे होते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती। अचानक एक ट्विटर हैंडल विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की धमकी देता है। सिर्फ 10 महीने की बच्ची, और उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के कई लोग कहते हैं कि जिस ट्विटर हैंडल ने धमकी दी है वो दरअसल पाकिस्तान का है। यानी कि तुम विराट कोहली को समर्थन नहीं दे सकते, तुम उन्हें गाली दे रहे हो। अब जिस शख्स ने उनकी बच्ची को बलात्कार या दुष्कर्म की धमकी दी, तुम उसे पाकिस्तानी बता रहे हो, यानी उसे भी तुम समर्थन दे रहे हो ताकि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई ना करे। मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी और दिल्ली महिला आयोग दोनों ने समर्थन दिया है। दिल्ली महिला आयोग, जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, डियर विराट, दीज पीपल आर फिल्ड विथ हेट बिकॉज नोबडी गिव्स देम एनी लव, फॉरगिव देम, प्रोटेक्ट द टीम। राहुल गांधी बहुत सही बात कह रहे हैं। जो लोग तुम पर हमला कर रहे हैं ना विराट, वो नफरत से भरे हुए, इन्हें कोई प्यार नहीं देता, इन्हें माफ कर दो, अपनी टीम को और बुलंद करो। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप मुझे बताइए ना, जब पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब एक ट्विटर यूजर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उसने गौरी लंकेश के बारे में जो अपशब्द कहे थे उसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। उसकी मौत पर जश्न मनाया था। अब भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसे फॉलो करते हैं। पीयूष गोयल, देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह ट्विटर हैंडल है, पीयूष गोयल ऑफिस। यह हैंडल कई गालीबाज लोगों को फॉलो करता है, क्योंकि देखिए पीयूष गोयल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, वो कल को देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि इसी तरह के गालीबाज लोगों को फॉलो किया जाए। तो बिल्कुल यहां सही कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को जिस तरह ट्विटर पर दुष्कर्म की धमकी दी गई वो बेहद शर्मनाक है। इसी टीम ने हमें हजारों बार गौरवान्वित महसूस कराया है, हार पर यह घटियापन क्यों? मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, 9 महीने की बच्ची को रेप की धमकी देने वाले सभी लोग गिरफ्तार हों। और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे दुख की बात क्या है, जैसे मैंने कहा आपको, जिस हैंडल, और वो हैंडल कौन सा है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हैंडल है क्रिक क्रेजी गर्ल, @CrickCrazyGirl। इसी हैंडल की तरफ से विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची को दुष्कर्म की, उसे वायोलेट करने की धमकी आई थी, और भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक इस हैंडल को पाकिस्तानी बताने लग गए। तुम विराट कोहली के खिलाफ अश्लील जो प्रोपेगेंडा होता है उसे समर्थन देते हो। तुमने अपने अंदर की इंसानियत इस कदर खत्म कर दी है कि उनकी 10 महीने की बच्ची को इतनी गंदी धमकी दी जा रही है, अब धमकी देने वाले के साथ तुम खड़े हो यह बताकर कि वो पाकिस्तान का है। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते उस पर कोई एक्शन हो। आपके स्क्रीन पर यह कोई मिस्टर सिन्हा है, वंस अगेन इट्स अ पाकिस्तानी बॉट। शर्म नहीं आती इस आदमी को। पता नहीं इस आदमी के परिवार की लड़कियां इससे कितनी सुरक्षित हैं।
फिर ये अपर्णा मित्रा हैं। वन सिंगल ट्वीट फ्रॉम अ पाकिस्तानी बॉट अकाउंट, बॉर्जीज यू आर अ जर्नलिस्ट, थिंक हार्ड अबाउट द वॉइस यू चूज टू एम्पलीफाई एंड नो दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, देयर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ क्रिटिक एंड देन देयर इज प्रोपेगेंडिस्ट विद एजेंडास टू पेडल। आगे ये कोई राहुल कौशिक है, Here's the tweet that Payal Mehta deleted. This was based on tweet by a Pakistani bot. ये तमाम लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं और जिस पायल मेहता का जिक्र किया जा रहा है ये मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में काम करने वाली पत्रकार थी। इन्होंने थोड़ी हिम्मत करके बात कही, आलोचना की बलात्कार की या दुष्कर्म की धमकी देने वाले उस शख्स को और बाद में डर के उसे डिलीट भी कर दिया। ऑल्ट न्यूज ने दोस्तों इसकी पड़ताल की और बहुत ही खूबसूरत पड़ताल की, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। उनका यह आर्टिकल देखिए आपके स्क्रीन्स पर, विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाला ट्विटर यूजर पाकिस्तान का था। इन्होंने कैसे पड़ताल किया दोस्तों कि जो ये ट्विटर हैंडल था ना उसका लोकेशन क्या है, यानी वो कहां स्थित है, उसके आधार पर वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो भारत में है। क्या कहता है आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन्स पर। ऑल्ट न्यूज ने सबसे पहले क्रिक क्रेजी गर्ल के ट्वीट्स का आर्काइव्ड लिंक्स सर्च किया ताकि अकाउंट का यूनिक ट्विटर आईडी खोजा जा सके। हमें वे बैक मशीन पर एक ट्वीट मिला, हमने पेज का सोर्स कोड देखा और पाया कि इसकी यूनिक आईडी, यूनिक ट्विटर आईडी 13866854741822362290 है। ट्विटर की पॉलिसी यूजर्स को अपना यूजर नेम बदलने की अनुमति देती है, हालांकि यूजर नेम बदलने के बाद भी न्यूमेरिक आईडी या यूनिक आईडी वही रहती है, यूनिक आईडी नहीं बदलती, और यह यूनिक आईडी दोस्तों भारत की है। अब यह जो ट्विटर आईडी है क्रिक क्रेजी गर्ल और दूसरा ट्विटर आईडी रमन हाइस्ट, इन दोनों का लोकेशन एक ही है, यानी एक ही लोकेशन से दोनों आईडीज बनाई गई हैं और ये दोनों भारत की है। और रमन हाइस्ट जो आईडी है, ऑल्ट न्यूज के मुताबिक वो निफ्टी की ट्रेडिंग कर रहा था। यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। ये जो क्रिक क्रेजी गर्ल है ये तेलुगु के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रही थी या कर रहा था, ठीक है, बात यहां नहीं रुकती। अगला प्रमाण आपके स्क्रीन पर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वे बैक मशीन से यह भी पता चलता है कि उस व्यक्ति ने ऑप इंडिया, गालीबाज वेबसाइट ऑप इंडिया, उसके सीईओ राहुल रोशन और भाजपा समर्थक अकाउंट्स के ट्वीट्स को रीट्वीट किया। उसने मुस्लिम विरोधी ट्वीट, हिंदियों पर किए गए ट्वीट और भाजपा समर्थक ट्वीट को भी रीट्वीट किया। नीचे दिया गया ट्वीट का स्क्रीनशॉट अशोक श्रीवास्तव का है जिसे इस यूजर ने रीट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए किन किन लोगों को इसने रीट्वीट किया। ये कोई बीजेपी का चाटुकार है, विजय पटेल, उसे इसने रीट्वीट किया है। फिर अशोक श्रीवास्तव, कौन अशोक श्रीवास्तव, ये दूरदर्शन में काम करता है, पत्रकार होते हुए भाजपा का समर्थक है, अब बेशर्मी की क्या बात कहें, उसका ट्वीट उसने रीट्वीट किया है। अर्नब रे, एक और भाजपा का समर्थक, ये देखिए साहब, क्रिक क्रेजी गर्ल तेलुगु के एक ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया है। यानी कि मैं आपको बाकायदा प्रमाण बता रहा हूं ऑल्ट न्यूज के हवाले से कि ये जो ट्विटर हैंडल है वो भारत के अंदर है और भाजपा का प्रचार तंत्र दोस्तों इसे अपना समर्थन दे रहा था, उसे समर्थन दे रहा था जिसने विराट कोहली की 10 महीने की बच्ची को दुष्कर्म की धमकी दी। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, और यह सवाल मेरा इन दो रुपल्ली ट्रोल्स के साथ, क्योंकि ये दो रुपल्ली ट्रोल्स ही नहीं है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सॉलिड समर्थक हैं, इनमें से कुछ पत्रकार भी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें, चलो विराट कोहली से इस बात को लेके प्रॉब्लम थी कि उसने मोहम्मद शमी को समर्थन क्यों दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुस्लिम विरोध भरा हुआ है, वो बात सही है, मगर जब विराट कोहली की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी जाती है वो तो दोस्तों सारी हदों को पार की कर जाती है। सबसे बड़ी बात, राक्षस भी ऐसे आदमी का समर्थन नहीं करेगा। एक आदमी अंदर से जितना भी बुरा हो ऐसे आदमी का कभी समर्थन नहीं करेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उसके साथ खड़ा है यह बताते हुए कि साहब वो तो भारत में है ही नहीं, वो तो पाकिस्तान में है।
क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम अंदर से कितने खोखले हो गए हो? तुम जहर से सराबोर हो गए हो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने के चक्कर में। बार बार यह सवाल तुम्हें खुद से करना होगा कि किस हद तक जाओगे, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हारा भ्रम टूट चुका होगा, तब ये जो ये मास हिप्नोसिस टूट गया होगा, या भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे अकाउंट्स में पैसा देना बंद कर देगी, तब तुम क्या करोगे बताओ? इनमें से ये जो ऑप इंडिया का सीईओ है राहुल रोशन, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये आदमी चैनल्स पर या कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जब चर्चा होती थी, बहस होती थी, ये नहीं जाता था डर के मारे। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस से सवाल नहीं करना चाहता था, इसे डर था इस बात को। मैं तो 2014 से भी सरकार से सवाल कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं। इन डरपोक लोगों को तुम लोगों ने अपने पसंदीदा पत्रकार बनाया हुआ है या अपना मसीहा बनाया हुआ है? खुद सोचिएगा इस बारे में। दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।